आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चित्रा आज आपको बायोलॉजी के पीरियड में ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय से शरीर में रुधिर के परिसंचरण की विधि का विस्तार से वर्णन करूंगी। सभी बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, प्रस्तुत वीडियो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के छात्रों छात्राओं के लिए उपयोगी है, कृपया ध्यान दें। देखिए, पिछले पीरियड में मैंने आपको हृदय की संरचना के बारे में विस्तार से बताया था, तो आज हम देखते हैं कि ये हृदय या हार्ट किस प्रकार से फंक्शन करता है। बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ स्थित है। ह्यूमन हार्ट मनुष्य के वक्ष गुहा में यानी थोरैकिक कैविटी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। मनुष्य के मुट्ठी के आकार की ये संरचना पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो बनाती है, ब्लड को सर्कुलेट करती है। तो किस प्रकार से, जो भी अंग बॉडी में हार्ट से नीचे हैं, वहां से अशुद्ध रुधिर को इन्फीरियर वेना कावा या पश्च महाशिरा लेकर राइट एट्रियम में प्रवेश करती है, यानी दाएं आलिंद में प्रवेश करती है। और जितने भी अंग हमारे हार्ट से ऊपर हैं, उनसे अशुद्ध ब्लड को लेकर सुपीरियर वेना कावा या अग्र महाशिरा रुधिर को लेकर राइट एट्रियम में आती है। इस प्रकार से जो हमारा ये दाएं आलिंद है, यहाँ पर बॉडी से इम्प्योर ब्लड आ जाता है। बच्चों, हार्ट के यहाँ पर आलिंद और निलय यानी एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में ये वाल्व दिखाई दे रहे हैं। ये वाल्व ब्लड के वन वे फ्लो को मेंटेन करते हैं, यानी केवल ब्लड को ऊपर से नीचे आने को अलाउड करते हैं। तो यहाँ से ये इम्प्योर ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल जो की एक काफी मस्कुलर, काफी मांसपेशियों से बनी रचना है, यहाँ से इस ब्लड को शुद्ध होने के लिए पल्मोनरी आर्टरीज में धकेल देती है। और ये पल्मोनरी आर्टरीज हमारे फेफड़ों से जुड़ी होती हैं, यानी एक फेफड़ा इधर साइड है और दूसरा फेफड़ा हमारा यहाँ पर होता है। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी इस रुधिर को लेकर हमारे फेफड़ों में जाती है, क्योंकि फेफड़ों में श्वसन के द्वारा, सांस की क्रिया के द्वारा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है, तो वहां से रुधिर ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, और रुधिर अब ऑक्सीजनीकृत रुधिर हो जाता है। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर को पल्मोनरी वेंस के द्वारा हमारे फेफड़े वापस हमारे हृदय में भेजते हैं। इस प्रकार से ये शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर हमारे लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है, यानी कि बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। बाएं आलिंद से ये शुद्ध रुधिर इन वाल्वों से होता हुआ नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। बच्चों, क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड ने दो बार प्रवेश किया है, एक बार यहाँ से जब ये अशुद्ध अवस्था में था और दूसरी बार शुद्ध होने के बाद फेफड़ों से आकर रुधिर यहाँ लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश कर रहा है, तो रुधिर का दो बार हार्ट में प्रवेश होने की वजह से ही इसको दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इस प्रकार से शुद्ध रुधिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल भी बहुत अधिक मस्कुलर एक स्ट्रक्चर है, काफी मांसपेशियां यहाँ पाई जाती हैं, और यहाँ से काफी फोर्स के द्वारा इस रुधिर को एओर्टा में धकेल दिया जाता है। एओर्टा यानी महाधमनी वो नलियां हैं जो हमारी पूरे शरीर को शुद्ध रुधिर की सप्लाई करती हैं। तो बच्चों, इसी को हम ह्यूमन हार्ट के द्वारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। रुधिर दाब नापने की मशीन का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के ब्लड का दाब नापा जा सकता है। और आपको ये सारे नोट्स बनाकर डायग्राम ड्रॉ करने हैं। इसी के साथ थैंक यू।